अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसान दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ब्रैकेट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एफिलिएट लिंक्स प्रमोट कर सकते हैं ब्लू होस्ट के, और उसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं कमेंट क्वेश्चंस में, तो उनका भी मैं आज जवाब देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है कि सिर्फ साइन अप करवाने से पैसे मिल जाएंगे, तो नहीं मेरे भाई, सिर्फ साइन अप करवाने से पैसे नहीं मिलते। क्या होता है कि बेसिकली आप एक शख्स को रेफर कर रहे हो कि वो होस्टिंग या डोमेन कहीं से भी जाके ले, तो क्या होता है कि जब नेक्स्ट पर्सन जिसको आप रेफर कर रहे हो अपने लिंक के थ्रू, जब वो जाके वहाँ से बाय करता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका एक कमीशन आपको मिलता है। ब्लू होस्ट के केस में वो आपको $65 देते हैं और कभी कभी $85 भी दे देते हैं इन सम केसेस, जब कोई प्रमोशंस होते हैं या कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं। तो मेरे साथ ये हो चुका है कि मुझे एक बार उन्होंने पूरे मंथ $85 दिए थे पर साइन अप के, लेकिन आजकल जो वो मुझे पे कर रहे हैं वो $65 पर साइन अप के पे कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, तो ये कंपलसरी है कि जिस शख्स को आप रेफर कर रहे हो लिंक, वो शख्स कोई ना कोई चीज़ बाय करे या कोई होस्टिंग बाय करे वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ साइन अप करने से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, इस तरह तो कोई भी साइन अप कर सकता है और वो पैसे कमा सकता है। सो दिस इज़ नॉट अ वे, आप में थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि किस तरह से ये एफिलिएट लिंक्स काम करते हैं। मैंने एक्सप्लेन भी किया, अगर आपने वीडियो को नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसको लगा दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि एफिलिएट का जो बिजनेस है वो किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो उसके अंदर है क्या रेफरल को कुछ बाय करना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है बेसिकली कि जी हाँ, रेफरल को कुछ बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो आपको कमीशन मिलेगा, उसके बाद ही आपको एक कमीशन मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो कि मैंने काफ़ी बार पढ़ा है कि लोगों ने कमेंट में पूछा है कि भाई किस तरह से जो हम एफिलिएट लिंक को है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ या फिर अपने स्टूडेंट्स को या दूसरे लोगों को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, वो स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से आपने पूरा एफिलिएट लिंक बनाया और एफिलिएट लिंक बनाने के बाद आपका पूरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि पेपाल जो है पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है, तो हम क्या यूज़ करें। तो पेपाल आप यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजर अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे काफ़ी ट्रस्टेड लोग जो कि आपको अपनी पेपाल की आईडी दे देंगे, जो आप अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी पेमेंट आएगी वो शख्स जो एक्सचेंजर है वो अपना कुछ कमीशन रख के आपको बाकी की पेमेंट कर देता है। सिमिलरली मैं भी इसी तरह से ही पेपाल यूज़ करता हूँ, मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, या फिर आपका कोई जानने वाला बाहर की तरफ रहता है या कोई बाहर के कंट्री में रहता है, तो आप उसको कह के अपना एक पेपाल उसके नाम पे बना सकते हैं और उसको पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है कि क्या जो वहाँ पे प्राइमरी यूआरएल हम मांगते हैं या ड्यूरिंग साइन अप वहाँ पे एक प्राइमरी यूआरएल मांगा जाता है, तो उसके अंदर कौन सा यूआरएल डालना चाहिए। तो वहाँ पर बेसिकली वो यूआरएल इसलिए मांगा जा रहा है कि वो जो कंपनी है ब्लू होस्ट या कोई भी कंपनी जहाँ पर आप रेफरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपसे पूछती है कि हमारा जो लिंक है या हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कहाँ प्रमोट करोगे। अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई ब्लॉग है या कोई भी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक डाल सकते हैं। इनकेस आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जिस फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम करते हैं तो उसका लिंक डाल सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे आपके लिंक्स को। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि किस तरह से जो एफिलिएट के लिंक्स हैं उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बार बार देखने को मिल रहा है कि हमारे क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन परचेजिंग नहीं हो रही, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपना लिंक ले रहे हो और जाके शेयर कर रहे हो ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया पर, यानी अपने फ्रेंड्स के अबाउट जो कि टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते और उन्हें डोमेन या होस्टिंग की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो क्यों बाय करेंगे आपकी होस्टिंग से। तो बेसिकली मैं पर्सनली क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ कि सिंपल क्या होता है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैं एक वेब डेवलपर हूँ या मेरी कंपनी के अंदर जो भी लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं,
वो जितने भी लोग उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो नॉर्मली मैं क्लाइंट से पूछ लेता हूँ कि क्या सर आपके पास होस्टिंग या डोमेन है, या मैं कोई रिकमेंड करूँ आपको अच्छी डोमेन। ऑब्वियसली बात है वो मेरा क्लाइंट है, मेरे साथ काम करना चाह रहा है, तो वो मेरी एडवाइस जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा ऑन द अदर हैंड अपनी चलाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ कि कौन सी होस्टिंग अच्छी है। तो वो मेरे से मशवरा करता है कि मुझे कौन सी होस्टिंग या डोमेन बाय करनी चाहिए। तो मैं सिंपल उसे कहता हूँ, मैंने एक पूरी गाइड बनाई हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस लिंक, वहाँ पे मैं अपना लिंक डाल देता हूँ और उसके आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ, इसके बाद आपने नेविगेशन में जाना है, शेयर्ड होस्टिंग में जाना है और ये वाली होस्टिंग का पैकेज बाय कर लेना। तो वो क्लाइंट के लिए ईजी रहता है और फुली गाइडेड होता है, और वो सिंपल उन स्टेप्स को फॉलो करके वो होस्टिंग जो है बाय कर लेता है, जिससे मुझे कमीशन मिल जाता है। लास्ट बार मैंने कुछ अर्निंग्स दिखाई थी कुछ मंथ्स की, वो अच्छी खासी अर्निंग्स थी सिर्फ इसी काम से। तो आप भी इस तरह से अपने जो लिंक्स हैं वो प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेन फोकस जो आपने करना है वो अपनी पोटेंशियल ऑडियंस पे करना है, जो कि एक्चुअल में बाय करने के लिए हो, या वो बाय करना चाह रही हो, या उनको ज़रूरत हो। अब मैं अगर उसको अपने लिंक को सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, उन्हें ज़रूरत नहीं है होस्टिंग बाय करने की, वो उन्हें कोई वेबसाइट नहीं बनानी, तो वो बाय नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके जो लिंक्स है उस पर क्लिक्स तो आ रहे होते हैं लेकिन कोई सेल जनरेट नहीं हो रही होती। तो ये स्ट्रैटेजी मैं सिंपल यूज़ करता हूँ, और मैं कोई एड्स नहीं चलाता, कोई गूगल एडवर्ट पे कंपेन नहीं रन करता, फेसबुक पे कंपेन रन नहीं करता, या कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता। हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था लेकिन उसका मुझे रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं मिले, तो इस वजह से मैंने इसी चीज़ को जो है प्रेफर करना शुरू कर दिया कि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं रेफ़र करूँ, उनको मैं बताऊँ कि इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो मोस्टली यही जो मेजर क्वेश्चंस थे वो मैंने उनका जवाब दे दिया। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्लूहोस्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अबाउट दैट। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम दोनों कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।